हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिक ज्योग्राफी चैप्टर 2, ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। शेप ऑफ अर्थ पूछिए। इसमें अर्थ की शेप जो होती है परफेक्टली स्क्वायर स्फीयर नहीं होती है। स्फीयर मतलब गोल नहीं होती है, स्लाइटली फ्लैटन होती है नॉर्थ और साउथ पोल से, मतलब ऊपर और नीचे से क्या होती है थोड़ी दबी हुई होती है, और इक्वेटर से क्या होती है फूली हुई, मतलब इक्वेटर साइड से क्या होती है फूली हुई सी होती है। शेप ऑफ द अर्थ किसको क्या कहते हैं, जियोइड। ओके, दो अर्थ लाइक शेप को जियोइड कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज अ ग्लोब। ग्लोब क्या है, एक ट्रू मॉडल है, मिनिएचर फॉर्म है, मतलब कि अर्थ की एक बनाई हुई फॉर्म है एक ग्लोब, जिसमें ग्लोब दर्शाया जाता है, कंट्रीज कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस ये सब दिखाए जाते हैं। ओके, व्हाट इज अ लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री ऑफ नॉर्थ। What are the three heat zones of the earth? Torrid zone, temperate zone and freeze zone. ये देख सकते हैं आप इसमें, फ्रीज जोन जहाँ पे सूरज की रेज नहीं पड़ती हैं, एंड ये टॉरिड जोन जहाँ पे मैक्सिमम रेज पड़ती हैं, और टेम्परेट जोन जहाँ पे कम मिनिमम रेज पड़ती है। ओके, व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड एंड मेडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। दिस वाज, ये पूछा गया है कि यहाँ पे पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड मेडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या है। मतलब अगर हम देखें इसको, इस फिगर को देखें, तो ये इक्वेटर पे ऊपर जो पैरेलल्स पे लेटी हुई लाइन है, इसे पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड बोला जाता है, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, और ये जो लंबी लाइन है इसे लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। ओके, अब यहाँ पे है, ये बोल रहा है, रेफरेंस करता है रनिंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से, उसे कहते हैं मेडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से ऐसे घूमता है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से घूमता है, राउंड करता है, उसे कहते हैं हम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जो पोल्स में है, सर्कल्स बने हैं ना इक्वल, उसे कहते हैं। ओके, व्हाई डज द टॉरिड जोन मैक्सिमम हीट, जो है वो आपने देखा टॉरिड जोन में सबसे ज्यादा हीट पड़ती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच सबसे ज्यादा हीट सन की रेज मतलब पड़ती हैं, क्योंकि सन जो है साल में एक बार अगर वो रेवोल्यूशन करता है, तो साल में एक बार सीधी रेज रेवोल्यूशन सन के बिल्कुल सामने ही सन की टॉरिड जोन जहाँ पे होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट पड़ती है, सन के अगर अर्थ सन के अराउंड रेवोल्यूशन करता है, तो साल में एक बार हीट जो है, गर्मी सर्दी आती है, तो जब गर्मी आती है जब टॉरिड जोन में सबसे ज़्यादा हीट पड़ती है। ओके, उस एरिया को इसीलिए हम कहते हैं मैक्सिमम हीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द मतलब 5:30 बजे, अगर इंडिया के 5:30 बजे हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि लंदन में 12 बजते हैं। ऐसा हम देखते हैं, अगर अगर हम क्रिकेट में अगर हमारे आईपीएल चलता है, तो उसमें भी दिखाते हैं कि इंडिया और अमेरिका के बीच में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इन सब कंट्रीज के बीच में मैच चल रहा होता है, तो हम देखते हैं रात के समय हम टीवी में देख रहे होते हैं, बट वहाँ पे उजाला हो रहा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम लंदन में देखें वहाँ पे ग्रीनविच मीन टाइम चल रहा होता है, जो कि लंदन में फॉलो होता है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ पे फॉलो होता है, इंडिया में, जो कि इंडिया में 82 हाफ डिग्री ईस्ट में इंडिया के मेरिडियन प्राइम मेरिडियन में पड़ता है। मतलब इसका ये है कि 5.5 घंटे का डिफरेंस पाया जाता है। ओके, 5.5 घंटे का डिफरेंस, अगर यहाँ लंदन में 12 बजते हैं, तो 5.5 लगा के देख लो, यहाँ पे इंडिया में 5:30 बज रहे होते हैं। आपको ये याद रखना है कि हमारा इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट में पड़ता है, और 5.5 घंटे का जो है डिफरेंस होता है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, टिक द करेक्ट आंसर्स। द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज
क्या है प्राइम मेरिडियन का? 0 डिग्री। ओके, प्राइम मेरिडियन कहाँ पे पड़ता है? प्राइम मेरिडियन बीच में, अगर आपने वो पीछे लेक्चर नहीं देखा है, चैप्टर नंबर, मैंने चैप्टर नंबर 2 करा चुके हैं, उसमें मैंने बताया है कि प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री में पड़ता है। ओके, फ्राइड जोन, फ्रीज जोन, सॉरी फ्रीज जोन कहाँ पे है? पोल्स में। ओके, फ्रीज जोन ऊपर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में फ्रीज जोन कहाँ पे है? पोल्स में, इक्वेटर में नहीं है, ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है। फ्रीज जोन कहाँ पे है? पोल्स में। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड अगर हम देखें, 180 है। ओके, अंटार्कटिक सर्कल किधर है? अंटार्कटिक, ओके, साउथ में। एंड ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, ग्रिड क्या बनाता है? पैरेलल ऑफ लेटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड फर्स्ट। ओके, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ पे है? 23.5 साउथ में। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इसका अगर मैं अभी मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहाँ कितना पड़ता है? 82.5 डिग्री ईस्ट में। जीरो मेरिडियन इज आल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन। द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड डिग्रीज, लॉन्गिट्यूड अगर हम देखें, लॉन्गिट्यूड का अगर हम देखें, पोल्स, पोल्स में क्या करता है वो, डिस्टेंस नापता है। पोल्स में लॉन्गिट्यूड है। आर्टिक सर्कल कहाँ पे है? नॉर्थन हेमिस्फेयर। ओके, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।